के बोल राहुल नागराज ने लिखे थे, बड़ा अच्छा गाना सर। अब आपके सचिव भूषण जी जो आपको जो पूरा गाना याद है और जो आपने लॉन्च किया है वो पूरे गाने की आप कड़ी सुना पूरा गाना, क्योंकि आपको भारत ही नहीं आपको विदेश भी देख रहा है पूरे गाने के लिए। कोशिश करूंगा कि दो चार मतलब उसकी अच्छी मतलब लाइनें पूरी गुनगुनाऊं क्योंकि जैसा मुझे याद आएगा। और ये गाना है भीम जी के पथ पर अब चलते लोग थोड़े हैं, भीम जी के पथ पर अब चलते लोग थोड़े हैं, पाया जिसने आरक्षण पाया जिसने आरक्षण पाया जिसने आरक्षण और मंदिरों के डेरे हैं, मंदिरों के डेरे हैं, मंदिरों के डेरे हैं, भीम जी के पथ पर अब चलते लोग थोड़े हैं। चार चार बच्चों की दी है तुमने कुर्बानी, चार चार बच्चों की दी है तुमने कुर्बानी, चार चार बच्चों की दी है तुमने कुर्बानी, तब कहीं ये जा कर के तब कहीं ये जा कर के कोट पैंट पहने हैं, तब कहीं ये जा कर के कोट पैंट पहने हैं, भीम जी के पथ पर अब चलते लोग थोड़े हैं। हम सीएम डीएम भीम ने बनाए हैं, हम सीएम डीएम भीम ने बनाए हैं, हम सीएम डीएम भीम ने बनाए हैं, फिर कहे को हाथों में, फिर कहे को हाथों में ये पत्थरों को पहने हैं, फिर कहे को हाथों में ये पत्थरों को पहने हैं, भीम जी के पथ पर अब चलते लोग थोड़े हैं। आज आर्यों ने फिर बुद्ध की धरा छीनी, आज आर्यों ने फिर बुद्ध की धरा छीनी, आज आर्यों ने फिर बुद्ध की धरा छीनी, राहुल और शशि की ये, राहुल और शशि की ये सब गलतियों के फेरे हैं, राहुल और शशि की ये सब गलतियों के फेरे हैं, पाया जिसने आरक्षण पाया जिसने आरक्षण पाया जिसने आरक्षण और मंदिरों के डेरे हैं, मंदिरों के डेरे हैं, मंदिरों के डेरे हैं, भीम जी के पथ पर अब चलते लोग थोड़े हैं। ये गाना वो गाना है कि बाबा साहब ने हमें 22 प्रतिज्ञाएं दी थी, उन्होंने कहा था कि जो मेरे अनुयायी हैं वो बौद्ध धर्म के साथ साथ 22 प्रतिज्ञाएं भी मानेंगे, और उस 22 प्रतिज्ञाओं में ये लिखा था कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, राम को ये नहीं मानूंगा। और हमारे लोग आज क्या कर रहे हैं कि पूजा करते हैं, पूजा में जाते हैं, जबकि पढ़ाई भी करते हैं, पढ़ाई भी कर लेते हैं, ऑफिसर बन गए, लेकिन पूजा करते हैं जिनका कोई मतलब नहीं, और बड़े अच्छे अच्छे औहदे पर पहुँच गए, बिजनेस अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी पत्थरों की अंगूठी पहनते हैं, गले में पत्थर पहनते हैं कि ये शांति के लिए है, ये निरोग रहने के लिए है, और तरह तरह के आदमन करते हैं बड़े हुए। सचिव भूषण जी, मैं लास्ट में आता हूँ कि आप ये बाबा साहब के भगवान गौतम बुद्ध के गाने गाते हैं, लेकिन जो पैसा है जैसे अभी आपने बताया कि हाथ में वो अंगूठी पहनते हैं, पत्थर की वो पहनते हैं, एक वहाँ पैसा बहुत ज्यादा है, जो सिंगर आते हैं उनको नोटों की और लाखों लाखों रुपए वो लेते हैं एक या दो भजन गाने के लिए, तो आप उसमें अपना कहाँ रखते हैं आप? देखिए, मैंने एक गजल मतलब एक सोशल मीडिया पे आई थी, तो बाबा साहब के बारे में किसी शायर ने लिखा था कि अरे नादान, मैंने भी अपनी परवाह की होती तो आज तेरी ये यहाँ हिम्मत ना होती, अगर मैंने भी अपने बेटों की परवाह की होती तो आज तेरे तन पे कपड़े नहीं होते। तो जब हमारे घर में मैंने बताया कि बाबा साहब से पहले से ही जुड़े हुए थे, तो हम उनको पढ़ते थे, बचपन से ही हम पढ़ने लगे थे, तो मेरे पिताजी के दोस्त हुआ करते थे लले सिंह यादव, सच्ची रामायण लिखी थी, वो मेरे पिताजी के दोस्त थे, काफ़ी उनका मिलना जुलना होता रहता था, और बड़ी चर्चा है, कभी फिर बैठेंगे फिर बात करेंगे इस पर।
उनका आना जाना होता था, तो ललित सिंह यादव ने भी 14 बीघे जमीन उस किताब के लिए बेच दी थी। 14 बीघा जमीन एक किताब के लिए, समाज की किताब के लिए बेची थी। तो जब हम ये पढ़ते थे, उनसे सुनते थे, पिताजी के एक दोस्त और थे संतराम बी ए साहब, जिनकी मेरा समाज और बाबा साहब के मित्र थे संतराम बी ए, और फिर बाद में हमारे पिताजी का भी उनसे मिलना जुलना होता था, तो उनकी किताबें बहुत सारी थी जो संतराम बी ए ने पिताजी को दी थी, मेरा समाज इस तरह की, तो उनको पढ़ा था, तो उससे लगता था कि समाज को हमें पे बैक टू सोसाइटी करना चाहिए। तो लगा भी नहीं बॉलीवुड में नहीं, हम अपने बहुजनवुड में ठीक है। शशि भूषण जी जैसे आज के सिंगर हैं जो गाना गाते हैं, और उस परिप्रेक्ष्य में आप अपने को कहाँ मानते हैं? देखिए बॉलीवुड में मैं ये नहीं कहता कि क्या है, लेकिन मैं पॉजिटिव सोचता हूँ कि अगर मैं बॉलीवुड में गया होता तो मैं भी बहुत अच्छा सिंगर होता जी, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ बहुत अच्छा सिंगर नहीं हूँ। बॉलीवुड में मैं अगर गया होता तो वहाँ अपने समाज के लिए काम नहीं कर सकता था, अपने समाज के लिए मैं डेड था, लेकिन आज जिस समाज में मैं काम कर रहा हूँ, अपने 85% बहुजन समाज में, वो बहुजन समाज मुझे अगर 5-स्टार होटल नहीं देता तो 3-स्टार होटल नहीं देता। लास्ट मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जो आजकल नए युवा दलित समाज से जो कभी बनकर आए हैं, उनके लिए क्या अपील है? उनके लिए यही अपील है, उनके लिए मैं यही कहूँगा कि मेरे गायक भाई हो, मेरे कवि भाई हो, अपनी कलम से ऐसा लिखना कि 85% एक रहें, कभी भी अपने गाने में, कभी भी अपनी कविता में एक जाति का नाम मत लेना। अभी मैं कुछ सिंगरों को देख रहा हूँ, वो कुछ लोग चमार को लेकर गाना गा रहे हैं, और अब अभी कुछ दिन पहले एक गाना और सुना था, पूत चमारा के, और गुजरों में भी गुजर का छोरा, जाट का छोरा, ये सारे गाने हैं, हम बहुजन हैं और हम भी चमार चमार करेंगे, तो मेरे गाने को अगर मैं चमार का गाना गाऊंगा कि हम चमार हैं, हम गर्व करते हैं, तो मेरे गाने को वाल्मीकि क्यों सुनेगा जी, मेरे गाने को धानक क्यों सुनेगा जी, मेरे गाने को खटीक क्यों सुनेगा, मेरे गाने को पासी पासवान तेल जुलाही क्यों सुनेंगे। इसलिए मेरे कहीं गाने, मैंने पहले भी आपको बताया था, हिंदुस्तान शब्द एक जाति को टारगेट करना इस तरह का नहीं, मेरे गीत हैं कि बहुजन समाज से हटके भी अदर समाज सुने के कुछ लिखा है। गीत था संविधान भारत का है, शान भारत की, कभी कभी देशभक्ति का जब चलता है तो मैंने, मुझे फ़ोन आते हैं क्योंकि यूट्यूब से वो डाउनलोड कर लेते हैं उस गीत को, तो फिर वहाँ उस पर नंबर आता है, तो वहाँ मुझे फ़ोन करते हैं कि जी हमारे 26 जनवरी पे हमने गीत बजाया था संविधान भारत का है शान भारत की, इसको मान लो सब, दो लाइनें मैं आपको गुनगुनाता हूँ। संविधान भारत का है शान भारत की, इसे मान लो खुश रहेंगे सभी। तो इस तरह गाने हैं, तो यही प्रेरणा दूंगा मैं उनको, यही कहूंगा कि भाई आप बहुजन समाज के लिए काम करते, एक जाति के लिए, बाबा साहब अगर एक जाति के लिए काम करते तो बाबा साहब महारा को आज कहाँ से कहाँ पहुंचा देते, लेकिन उन्होंने सभी के लिए काम किया, तो हम भी ऐसे गाने गाए जिससे सभी समाज सुने, चाहे वो जाट वर्ग के लोग हों, चाहे धानक तेली जुलाहे वाल्मीकि, सब किसी समाज के लोग हों वो सुने। अब कल एक प्रोग्राम है, उसमें अधिकतर सभी वाल्मीकि लोग इकट्ठा होंगे, और मैं वहाँ इनवाइट हूँ, मैं वहाँ जाऊँगा, गीत गाएंगे अच्छे लगेंगे, और मेरे गाने के चमार शब्द होते तो मुझे क्यों बुलाते, कहते नहीं आप चमार गाने गाते, आप चमार ये थे हमारे बीच के अंदर एक युवा गायककार शशि भूषण जी, और जब हम इनसे मालूम किया कि आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, शशि भूषण जी ने बताया कि हमारी तीसरी पीढ़ी का मैं एक मेंबर हूँ, और जो दो पीढ़ियाँ हैं वो बाबा साहब के अनुयायी थे, भगवान गौतम बुद्ध के अनुयायी थे, और आज जो हम गा रहे हैं, और एक बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि अगर मैं किसी जाति को लेकर या किसी धर्म को लेकर गाने गाऊंगा तो मुझे कोई लाइक नहीं करेगा। यह अधिक अच्छी बात है, क्योंकि अभी बीच के अंदर एक हरियाणा से एक लेडीज है, वो जिसे सपना कहा जाता है, मैं उसका ज्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं करूंगा, तो उनका भी खंडन किया है शशि भूषण जी ने, और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे युवा कवि और ऐसे युवा गायकर आगे आए और समाज की बातों को आगे रखें। कैमरामैन गौतम के साथ मनोज पिप्पल।